हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक नई पोर्टल को शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, इस पोर्टल के माध्यम से तमाम लोग जो किसी प्रकार का अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो वो अपना इलाज बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं। दोस्तों, मुख्यतः इस जो पोर्टल का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं किसी समस्या की वजह से वो बाहर नहीं जा पाते हैं अपने इलाज के लिए। सरकार ने यह पोर्टल लाई है जो लोग हैं अपना इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े उसे। तो सरकार ने ये काफ़ी बड़ी डिसीजन लिया है, उन्होंने ये काफ़ी बड़ा पोर्टल लॉन्च किया है कि आप जो सो आप अपना इलाज घर बैठे करवा सकते हैं। ये आपको किसी कहीं में हॉस्पिटल में जाकर के आपको लाइन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो सो अपना एक मोबाइल या फिर लैपटॉप में आपको जो सो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो उसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो चलिए मैं इसे आप लोग को आगे बताऊँगा। तो लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात एक है गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप जो सो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में रजिस्टर कर देने के बाद आप जो सो डॉक्टर को अपना पुराना रिपोर्ट दिखा सकते हैं या फिर आप जो सो उनसे आपको किस तरह की बीमारी है आपको डॉक्टर को बता सकते हैं और उससे आप दोस्तों अपना सजेशन ले सकते हैं कि आपको किस तरह की दवाई आपको चाहिए और आपको किस तरह का इलाज चाहिए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इसे रजिस्ट्रेशन किस तरह कर सकते हैं मैं आप लोगों को बता दूँ। तो गाइस, आपको अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। ब्राउज़र में आपको सर्च करना है ई संजीवनी। आप देख सकते हैं, आप इसे टाइप कर लीजिएगा। तो सर्च करने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फर्स्ट में ऑप्शन मिलेगा ई संजीवनी ऑफ ईवडी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है गाइस। तो गाइस, ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप थ्री लाइनिंग है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन और पेशेंट लॉगिन और डॉक्टर लॉगिन। तो आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको कुछ बातों की ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर जो आपको अपने मोबाइल नंबर को डालना होगा, उसके बाद जो गाइस आपको यहाँ पर डालना होगा अपना स्टेट। और इससे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको ये है गाइस, आप अपने स्टेट का जो सो आपको टाइमिंग एक दिखाना होगा कि आपका जो डॉक्टर है आपसे किस वक्त बात कर सकता है, आपसे किस वक्त आपसे कंसल्ट कर सकता है। तो आप यहाँ पे थ्री डॉट लाइनिंग पाइएगा गाइस। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक टाइमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, टाइमिंग्स पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा तो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो सो टोटल स्टेट का नेम दिख जाएगा। तो आप जो सब अपने स्टेट में जा कर के आप अपने टाइमिंग को देख लीजिएगा। तो मैं आप जैसे कि आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सो टाइमिंग दिखा रहा है 11 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद जो सो 3 बजे से 5 बजे तक। आप यहाँ पे जो सब टाइमिंग देख सकते हैं, आप किसी अदर स्टेट का भी आप जो सो टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप गाइस। आपको जो सो हॉस्पिटल का नेम भी दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नामकुंड रांची। तो गाइस, अब मैं आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताता हूँ। तो गाइस, आपको जो सो एक बार फिर से थ्री लाइनिंग पे जाना होगा गाइस। थ्री लाइनिंग पे जाने के बाद गाइस, आपको होम पे क्लिक कर लेना है। होम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे आप देख सकते हैं पेशेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन। करने के बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जो सो अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका दिया हुआ है जनरल OPT और एक दिया हुआ है स्पेशल। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, अगर आप जनरल OPT में दिखाना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप स्पेशलिस्ट OPT में दिखाना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे स्पेशलिस्ट OPT में दिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार के स्पेशलिस्ट से दिखवाना चाहते हैं। अगर आपको डेंटल से अगर दांत से प्रॉब्लम है तो आप जो सो डेंटल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो डेंटल के लेने के बाद आप जो सो OPT में आप अपना टाइमिंग ले लीजिएगा। जनरल को दिखाना है तो आपको डायरेक्ट जनरल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद OTP को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। OTP को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। OTP को यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ओके का, ओके पर आपको क्लिक कर लेना है।
उसके बाद जो है सो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ आपका फैसल रजिस्ट्री, उसमें यहाँ पे नाम डाल देना है जिनको आप दिखलवाना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो सो आप यहाँ एज में आ जाइएगा, एज में आने के बाद आपको जो आप जिनको दिखलवाना चाहते हैं उनका एज आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आप किन्हीं को भी आप यहाँ पर जो है दिखवा सकते हैं। उसके बाद आप जो है मिडिल नेम डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, उसके बाद जो सो स्टेट को ले लीजिएगा, उसके बाद मिडिल लास्ट नेम डाल दीजिएगा। आप जो सो अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, OTP OTD सेलेक्ट कर लीजिएगा, या ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है सो आप यहाँ पे अपने एड्रेस डाल दीजिएगा, आप अपने मोबाइल नंबर और पिन कोड देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड हेल्थ रिकॉर्ड, अगर आपने किसी के पास पहले दिखवाया था डॉक्टर के पास तो आप जो है सो उनके रिकॉर्ड को आप जो है सो JPG फाइल में आप यहाँ पे उसे अपलोड कर सकते हैं, तो उसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो ये आप जो है सो 5 MB तक जो है सो उसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो सो आपको जनरल पेशेंट एंड आईडी पे एंड टोकन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं योर पेशेंट आईडी एंड टोकन नंबर हैज़ बिन सेंड टू योर ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आपको एक टोकन नंबर मिलेगा और यहाँ पर जो सो आपको पेशेंट आईडी भी रजिस्टर करके दे दिया जाएगा। तो उसके बाद जो सो आपको लॉगिन करना है, इसके लिए आपको पेशेंट लॉगिन पे जाना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपने टोकन नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिल जाता है डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। अभी जो सो आपको वेटिंग रूम में रखा गया है आपको डॉक्टर से बात करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सो आपका रिंग स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट डॉक्टर को भी यहाँ से कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर से कॉल करने के बाद आप जो है सो आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, डॉक्टर साहब का जो बातचीत पूरा हो जाएगा आपको इस तरह से एक मैसेज मिल जाएगा। उस पर आप ओके पे क्लिक करने अपने जो प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड करना चाहते हैं कि डॉक्टर ने आपको जो सो किस तरह की दवाई को प्रोवाइड किया है, आप जो सो मतलब अपने प्रिस्क्रिप्शन को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ देख सकते हैं आपको एक रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को डाल दें, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो है सो सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। सामने जो है सो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है। अगर आपने डॉक्टर से बातचीत की होगी तो आप यहाँ से आप अपने प्रिस्क्रिप्शन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें अपने फैमिली मेम्बर को ऐड करने के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, ये देख सकते हैं ऐड फैमिली मेम्बर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपने फैमिली मेम्बर का जो है सो आप यहाँ पर डिटेल डाल करके आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट का नेम वगैरह AG सब फर्स्ट नेम डिटेल डाल करके आपको यहाँ पे जो है सो सेव कर लेना है। इस प्रकार आप जो है सो इस नए पोर्टल का उपयोग आप अपने घर बैठे कर सकते हैं।